जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दो कैसे हैं आप सब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत पे खैरियत से होंगे तो आज जनाब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए आउटिंग के लिए तो उसके लिए गाड़ी हमारे दरवाज़े पर आ चुकी है और उसके बाद हम लोग निकले घर से और रस्ते का भी थोड़ा सा व्यू आपको दिखाती चलूँ तो अब मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में जो है ना आपको फिर भी घूमना जो है ज़रा अच्छा लगता है रास्ते में अब यहाँ पे रुके हैं और यहाँ से जना मैं ले रही हूँ पकोड़े तो यहाँ के पकोड़े मुझे बड़े पसंद हैं और मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ ना मंदरा साइड से जा रही होती हूँ जीटी रोड से तो यहाँ पे जो पकोड़े बनते हैं वो बड़े मज़े के बनते हैं तो मैं हमेशा यहाँ पे जो है ना वो गाड़ी रुकवा के ना तो पकोड़े लाजमी लेती हूँ यहाँ के पकौड़े बहुत मज़े के हैं तो उसके बाद जनाब पकोड़े हमारे आ, आ चुके हैं और यहाँ पे पकोड़े जनाब हो और तंदूर की रोटी हो तो आपने कभी ऐसे खाया है तो मुझे बताइएगा बड़ा मज़ा देते हैं पकोड़े और तंदूर की रोटी तो उसके बाद फिर हमारा सफ़र फिर से शुरू हुआ और हम लोग जनाब जा रहे हैं आ, पार्क में कौन सा पार्क है ये आपको पहुँच कर बताऊँगी रस्ते का व्यू भी आप देखते जाइए बहुत अच्छा व्यू है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है शाम तीन बजे का टाइम है बड़ा मज़ा आ रहा है तो जनाब मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ आज घूमने के लिए और रास्ते में जनाब आ गया गीगा अच्छा गीगम मॉल है तो मेरा रास खोल दिया है आज मैं जा रही हूँ पिंडी घूमने के लिए रावल पिंडी में जनाब गीगा मॉल के पास हम लोग गुजर रहे थे तो यहाँ का व्यू भी मैंने कहा आपको दिखा दूँ और जनाब इसका जो है ना अंदर का व्यू कैसा है वो भी आपको अपने इस व्लाग में दिखाऊँगी तो विलाग को जनाब आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि जो है ना आप भी मेरे साथ जो है वो इन्जॉय कर लें तो अभी आप रश की सूरत हाल भी देख लें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम था यहाँ पे जो है ना वो रोड बन रहा था और रोड जब बन रहा होता है तो आपको पता है कि ट्रैफिक के हालात क्या होते हैं तो यहाँ से जब भी मैं गुजरती हूँ ना तो ट्रैफिक ऐसे ही ब्लॉक होता है अभी तकरीबन डेढ़ साल हो गए यहाँ से तकरीबन दो तीन माह पर जब भी चक्कर लग जाता है ना तो यही हालात होते हैं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी इस साइड पर तो जनाब हम लोग पहुँच चुके अपने पॉइंट पर और हम लोग आ चुके हैं अ पार्क बड़ा ही अच्छा पार्क है जनाब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है तो आप भी यहाँ पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा बच्चों के साथ तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और थोड़ा बहुत मैंने कहा यहां से भी आपको दिखा देती हूं तो यहां से हम लोगों ने ना आ... चलें जी पैदल तो हमसे जाने नहीं होता था तो यहाँ पे वो एक पिकअप टाइप गाड़ी सी घूम रही होती है तो हमने कहा चलें आप जो है ना हम लोग सब ब... क्योंकि हमारे साथ बुजुर्ग भी थे तो उसी के अंदर जो है ना सफ़र कर लेते हैं अनजिश के जो है वो दादी दादा भी साथ थे तो हम लोगों ने फिर उसके अंदर बैठना था और बड़ा ही अच्छा मौसम हो रहा है और फूल देखिए माशाल्लाह माशा तला की जो कुदरत है आप देखें आपको इस तरह के नज़ारों में ना नज़र आता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह क्या हसीन दुनिया अल्लाह मियां ने बनाई है तो बड़े खूबसूरत जो है ना वो फूल लगे हुए थे अभी जो है हम लोगों ने इंतज़ार करना था और उसके बाद जनाब गाड़ी आ चुकी थी अच्छा ट्रेन देख लीजिए आप बच्चे बड़े खुश होते हैं यार इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगता है इसके अंदर बैठ कर और हम लोग भी जब बचपन में बैठते थे, थे ना तो लगता था ऐसे कि जैसे ना ट्रेन के अंदर ही बैठ गए हम लोग तो, तो बच्चों की फीलिंग्स जो है ना और बच्चों की खुशी इसके अंदर जो है ना वो देखने वाली होती है तो जनाब गाड़ी आ चुकी है और अभी हम लोगों ने ना इसके अंदर बैठना है और अभी मैंने कहा चलते हैं चल इसके साथ जो है ना आपको व्यू दिखा दूँ माशा माशा खूबसूरती देखिए इतने खूबसूरत फूल और दिल खुश हो जाता है जब बंदा इस तरह के मौसम में बाहर निकलता है ना तो यकीन जानिए बड़ा मजा आता है और व्यू भी देखने वाला होता है इतने खूबसूरत फूल कलरफुल तो जनाब अच्छा चले अभी आप तक अभी तक अगर मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो पहले सब्सक्राइब आप कर लें मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है तो सब्सक्राइब कीजिएगा साथ मौजूद बेल आइकन को भी आपने ज़रूर प्रेस करना है उससे क्या होगा कि जब भी मैंने व्लॉग जो है ना अपलोड करूँगी ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है और साथ मौजूद बेल आइकन जो है ना उसको भी ज़रूर क्लिक करना है व्लॉग पसंद करते हैं ना तो नीचे मौजूद लाइक के बटन को जरूर प्रेस किया कीजिए और अपनी राय जो है ना कमेंट सेक्शन में बता दीजिए दिया कीजिए तो जनाब अभी हम लोग जा रहे थे और अंजिश चनाब बड़ी खुश हो रही थी और आपको पता है कि बच्चों को तो ना मौका चाहिए होता है आउटिंग का और बच्चे बड़े खुश होते हैं बाहर की तरफने का वैसे भी बन, मतलब बड़ा बंदा भी हो ना तो थोड़ा सा बाहर जब निकल जाता है ना तो थोड़ा सा दिमाग जो है वो फ्रेश हो जाता है तो अभी जनाब हम लोग जा रहे थे और बड़ा अच्छा जो है ना वो व्यू था मौसम बहुत अच्छा हो रहा है अच्छा पार्क के अंदर जाने के लिए ना हम लोग हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये कि वॉक करके भी आप लोग जा सकते हैं लेकिन वॉक करके ना ज़रा दूर पड़ता है मतलब थक जाता है तो इस वजह से अगर आप इसका इस्तेमाल तो यहाँ पर आप व्यू देखते जाइए माशाल्लाह माशा इतना खूबसूरत व्यू तो बच्चे क्या बड़े भी सब बहुत खुश होते रहे थे जनाब कॉटन कैंडी आ गई और जब मंजेश ने ये देखी है ना तो बस इसने बोला कि मैंने तो ये ले के यहाँ से जाना है और आते हुए भी लेनी है और जाते हुए भी लेनी है तो ये जरूर लेनी है तो बचपन की याद ताज़ा हो जाती है हम जब भी जो है ना ये कॉटन कैंडी और इस तरह के वो जो गोल बड़े पापड़ होते हैं ना वो देखते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है और उसको खा के भी वो एक बचपन में आवाज़ देता था ना पापड़ वाला पापड़ वाला तो हम लोग भागते भागते जाते थे दरवाजे पर जनाब पापड़ वाला आ गया तो वो लाजमी जो है ना आजकल के बच्चे भी पसंद करते हैं तो अभी जनाब ये वाले टॉयज़ वाले थे और रंजस ने जो है ना ये भी ले लेना था और उसके बाद हम लोग गए हैं चिड़ियाघर और चिड़ियाघर आप देखिए जनाब शेर राजा जो है ना ये तो सो रहे हैं अच्छा नहीं शेर नहीं ये चीता था चीता था और ये भी सो रहे हैं यहाँ पे दो हैं यहाँ पे और दोनों सो रहे हैं तो जाना इसका व्यू भी आपको दिखा देती हूँ अच्छा उसके बाद ये देखिए ये भी सो रहे हैं अच्छा मुझे ऐसे लग रहा है ना कि ये ना भूखे हैं यहाँ पे ना क्योंकि मैंने एक दो जगह और भी जो है ना इनका विज़िट किया था कुछ जानवर जो है ना ऐसे दरवाजे के पास घूम रहे थे ना भूख से जैसे ना उनका बुरा हाल हो रहा होता है तो अभी जनाब चीता देख रहे हैं हम लोग और उसके बाद जो हम लोग आगे भी जाएंगे मज़ीद भी दिखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं चले नज़दीक से भी देख लीजिए आप उसके बाद हम लोग आ चुके हैं ये पता नहीं शायद नीली गाय थी या नीली पता नहीं इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है मैंने पढ़ा भी नहीं था इसके ऊपर के क्या लिखा हुआ था क्या है लेकिन मैंने कहा चाहे ये भी आपको दिखा देती हूँ उसके बाद जो है यहाँ पे हिरन है और हिरन जनाब ये भी जो है ना अपना खाना पीना इनका चल रहा था पार्टी शार्टी चल रही थी इनकी भी तो इनको भी हमने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया है इनको तो खाना डला हुआ था ये तो खाना खा रहे थे उसके बाद जो है ना ये भी मेरे ख्याल से हिरन ही है अच्छा उसके बाद जो है ना आ गया है यहाँ पे हिरन सफ़ेद हिरन सफ़ेद हिरन और भेड़िया ओ यार ये तो बिल्कुल ऐसे खूनखार लगता है ना और ये बिल्कुल ऐसे ही घूम रहा था यहाँ पे सब लोग खड़े हुए थे ना तो लोगों के आसपास ना हिल के उस साइड पे घूम रहा था ऐसे जैसे को ना मतलब इसको ना ये बाढ़ हटाते जाए ना और ये हमला कर दे तो बस इस तरह के इनकी हालात है और ये भूखे लग रहे थे बहुत ज़्यादा यहीं पर हाँ पास घूम रहे थे और तो रंजिश तो उनको देख के ना बहुत ज़्यादा डर गई थी तो ये बहुत अच्छे हैं जानवर जो है ना ये वाला खासकर अगर हम लोग घर पे पान लेना तो बस क्या ही बात है तो उसके बाद जनाब आ गए हैं रीच और रीच पे अच्छा ये जो है ना एक कपल था रीच का ना और ये भी जो है ना बड़ा ही अच्छा बच्चों को देख रहा था ये ऊपर की साइड पे ना तो ऐसे लग रहा था कि ज़रा सी इसको जगह मिलती जाए ना तो ये बाहर आ जाए और इस तरह खूंखार ये भी जानवर है चूँकि लोग इनको देख रहे थे और ये पिंजरे के बिल्कुल आस घूम रहे थे कि बस ये बाढ़ हटे और हम लोग इनके ऊपर हमला कर दें तो ये भी ऐसे लग रहा था जैसे ना भूखे हैं इनको भी ना कुछ खाने के लिए चाहिए था लेकिन हम लोग चूँकि पता नहीं है जानते नहीं है कि लोग क्या चीज़ खाते हैं तो इस वजह से हम लोगों ने इनको कुछ देना भी नहीं था और पार, पार्क पार्क का जो है ना यहाँ पे नोटिस भी उन्होंने लगाया हुआ था कि आप लोग जो है ना वो जानवरों को कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो नहीं डालेंगे उसके बाद क्या आ गया उसके बाद आ गया ये पता नहीं क्या था घोड़ा था या क्या था मुझे नहीं पता है लेकिन मैंने कहा चले इसका भी छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ इसके बाद हमारे पास आ रहा है ज़ेब्रा और ज़ेब्रा जनाब अंश देख कर बड़ी खुश हुई थी चूँकि ये जो है ना इस तरह का जानवर है कि हम लोग बहुत कम देखते हैं भालू वगैरह और घोड़ा वगैरह तो हम लोग देखते ही रहते हैं बच्चों के टॉयज़ वगैरह के शेप में लेकिन ये देख के बहुत खुश उसके बाद आ गया था शेर शेरनी शेरनी तो ऐसे ही वाकई शेरनीों की तरफ घूम रही थी और इसकी भी नज़र जो है ना वो सारे लोगों के ऊपर थी और शेर साहब जो है वो बड़े चुपचाप बैठे हुए थे आराम सकून के साथ शेरनी जो है ना वो ऐसे सिक्योरिटी कर रही थी अपने ना बहुत सुबह नहीं निकले थे दिन के टाइम पे निकले थे और शाम शाम जो है ना वो बड़ी जल्दी हो गई थी और अंधेरा हो रहा था तो मैंने कहा चलें इसका जो है ना शतरमुर का भी बना लेते हैं और शतरमुर के बारे में ना एक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि इनका जो एग होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉग होता है कि एक इंसान जो है ना अगर उस पर बैठ भी जाए ना तो उसका वज़न बड़ी जल्दी जो है ना बड़ी आसानी से जो है वो बर्दाश्त कर लेता है तो एग के बारे में एक जो है ना वो मैं अच्छा यहाँ पर जो है हम लोग आ गए थे अनजिश को लेकर तो अच्छा अनजिश ने जो है ना वो यहाँ पर मेरा एक टिकट भी जो है ना वो ज़ाया करवाया था उसको झूले देखने का बड़ा शौक है लेकिन बैठना नहीं है बस और जब देना तो फिर रोना धोना तो बस वो डरती थी राइड्स वगैरह से ना तो मेरी तो बड़ी कोशिश थी और मुझे जो है ना वो शौक भी था कि ये इस तरह की राइड्स वगैरह ले और खुश हो कि वो आ, आ, आज आउटिंग पे आई है हमारे साथ ना तो बच्चे बड़े खुश होते हैं इनको देखे वो बस खुश तो हो रही थी दूर दूर से देख कर लेकिन उसने जाना नहीं था इनके ऊपर ना बैठना है ना जाना है इनके पास तो इस वजह से मैंने भी एक ही टिकट लिया है और फिर अंजिश नहीं बैठी इनके ऊपर तो फिर मैंने जो है ना वो टिकट जो है वो वेस्ट कर दिया और अंजिश को जो है ना फिर मैं लेके आई थी बच्चों के लिए बहुत अच्छी राइड्स हैं यहाँ पे और उसके बाद जो है अच्छा ये राइड जो है ना मैं हमेशा लेती हूँ यहाँ पे जब भी आती हूँ ना तो ये राइड मुझे बहुत पसंद है और बहुत बड़ी राइड राइड्स जो है वो मुझे पसंद नहीं है लेकिन ये राइड जो है ना बड़ा अच्छी राइड है तो ये मैं लाजमी लेती हूँ तो रात का टाइम था ना तो ज़रा रश भी कम था वरना यह है कि रात के टाइम पे बहुत रश हो जाता है यहाँ पे उसके बाद फिर जना फेरिस व्हील आ चुका है और यहाँ पे अच्छा इसके अंदर बैठने की हिम्मत जो है ना वो मेरी नहीं होती है क्योंकि मुझे डर लगता है इसके अंदर लेकिन जो है वह अजिश के दादू ने बोला कि नहीं आप बैठो आप इंजॉय करोगे फिर मैं बैठ गई इसके अंदर और इन्जॉय वाकई बहुत किया था चूँकि पूरा बन था तो इस वजह से इतना डर भी नहीं लगा था और यहाँ पर मैं लाइन में लग गई थी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी और उसके बाद जनाब हम लोग बैठ बैठने लगे थे इसके अंदर अच्छा मैं बचपन में बहुत बैठी हूँ इसके अंदर लेकिन आपको पता है बच्चे जब हो जाते हैं ना तो इंसान कमजोर हो जाता है तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही हालात हैं कि अंजिश के बाद ना मेरा दिल बहुत ज्यादा कमजोर हो गया तो बस मुझे जो है ना इन झूलों के ऊपर बैठने से ना बड़ा डर लगता है तो अभी मैं बैठ गई थी मैंने कहा चलिए अभी जो है ना ऊपर अच्छा अंजिश को मैं नहीं लेके गई थी साथ मैंने कहा शायद वो डर जाएगी लेकिन इतना सेफ था ना बड़ा मजा आया था इसके अंदर तो अगर आपका विजिट हो यहाँ पे तो आप भी लाजमी इसको बै, इसमें बैठिएगा एंड इन्जॉय कीजिएगा पार्क सारा नजर आ रहा था लेकिन चूंकि अंधेरा था तो बहुत मज़ा तो नहीं आया था लेकिन अच्छा था अच्छा एक्सपीरियंस था इसके अंदर बैठने का तो आप भी जरूर जो है बैठिएगा अच्छा जो ओपन वाला होता है ना उसके अंदर ज़रा डर ज्यादा लगता है तो ये पूरा बंद था उसके बाद हमारी हो चुकी थी वापसी और वापसी जनाब हम लोग अभी यहाँ पे जो है ना वो पार्क से निकलने वाले थे रात का व्यू भी अच्छा था लाइट्स वगैरह तो लगी हुई थी लेकिन बहुत ज्यादा लाइट्स नहीं थी जितनी होनी चाहिए ना पार्क्स वगैरह में तो ये है कि कुछ जगहों पे लगी हुई थी तो मैंने कहा चले यहाँ का भी जो व्यू है ना आपको दिखा देती हूँ उसके बाद जनाब हम लोग पहुंच चुके हैं गीगा मॉल में और गीगा मॉल में जो है ना हम लोग हमेशा यहाँ पे अंजिश को लेके जाते हैं तो अनजिश बड़ी खुश होती है शॉपिंग वॉपिंग हम लोगों ने यहाँ से कभी नहीं की लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है ना बच्चों को जो है ना लेके जा सकते हैं आप अच्छा है यहाँ पर जो इन्होंने बच्चों के लिए जो एरिया बनाया हुआ है वो भी बहुत अच्छा है तो अक्सर जो है ना मैं अंजिश को यहाँ पर ले जाती हूँ चले जी गीघा माल के अंदर हम लोग आ चुके हैं और अंदर का व्यू भी आप लोग देख लीजिए अच्छा यहाँ पे एंट्रेंस के साथ ही ना वसीम बदामी जो है ना उनका हीमानी प्रोडक्ट है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं क्योंकि मैं उनके प्रोडक्ट्स अक्सर जो है ना वो यूज़ करती रहती हूँ और ऑनलाइन मंगवाती हूँ ना तो यहाँ पर मुझे उनका जो है ना वो नज़र आ गया था आउटलेट तो मैंने कहा चलें यहाँ से जो है ना वो मैं ले लेती ले हूँ उनकी कुछ एक दो क्रीम्स वगैरह लेनी थी हैंड क्रीम लेनी थी मैंने और साथ में जो है सीरम वगैरह लेना था वो भी मैंने यहाँ से ले लिया था उसके बाद जो है हम लोग आ चुके थे कुछ खाने पीने के लिए भूख लगी थी तो हमने कहा चल यहीं से जो है ना वो कुछ खा लेते हैं यहाँ पे जनाब आ चुके थे फ़्रेश जूसेस और मैं जब भी जाती हूँ ना यहाँ से जूस वगैरह लाजमी पीती हूँ शेक्स भी होते हैं फ़्रेश जूसेस वगैरह भी होते हैं इनके पास और स्लश भी होते हैं तो मैं जब भी जाती हूँ यहाँ से जो है ना मिक्स फ्रूट का एक जूस ये लोग बनाते हैं और बड़ा अच्छा जूस है ना वो मुझे बड़ा पसंद है तो उसमें ना दो तीन तरह के फ्रूट्स ऐड करते हैं आप अपनी मर्जी से जो है ना फ्रूट फ्रूट जो है ना वो आईट इसमें जो है वो ऐड करवा सकते हैं तो यहाँ पे मैंने मिक्स फ्रूट जो है ना वो जूस ऑर्डर किया था और मैं उसके इंतज़ार में थी कि वो मे मेरे हाथ तक आए और मैं वो लूँ तो यहाँ पे जाना मैंने अपना जो है ना वो मिक्स फ्रूट का जूस ले लिया और अच्छा ये अंजेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था मेरा दिल था कि वो भी पी ले अच्छा उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से ऐड की थी थाली और मुझे यहाँ की ना थाली बहुत पसंद है चाचा जी की जो थाली है ना वो भी बहुत पसंद है कुछ हम लोगों ने के भी मंगवा लिया है और के एफ़ सी भी हम लोगों ने यहाँ पे जो है अच्छा राइस एंड स्पाइस जो है ना ये मैंने फर्स्ट टाइम इनका जो है ना वो ट्राई किया था और ये बड़े मज़े का था राइस एंड स्पाइस जब भी आप जो है ना के एफ़ सी ऑर्डर करें तो लाजमी ऑर्डर करें और उसके बाद थाली भी आ चुकी है थाली में हमारी काफ़ी सारी चीज़ें थी इनमें कबाब थे बिरयानी थी और ये चिकन पता नहीं क्या था इसके ऊपर कुछ जिजर वंजर तो था नहीं कि मैं कुछ चिकन जिंजर का नाम दूँ और जो है इन्होंने मलाई बोटी में थी पूरियाँ थी और साथ पूरी थी एक पूरी थी और साथ में नान थे और सेकंड जो है ना हम लोगों ने के मंगवा दी थे चूँकि फैमिली थी तो फैमिली के लिए हम लोगों ने ये सब चीज़ें जो है ना वो मंगवा मंगवाई थी राइस एंड स्पाइस भी मैंने यहाँ पर ट्राई किया वो भी बड़े अच्छा जो है ना वो था तो आप लोग भी इसको जो है ना वो लाजमी ट्राई कीजिएगा और उसके बाद जो है ना आप यहाँ पर साथ ही साथ जो है ना वो पिज़्ज़ा जो है ना वो स्मॉल पिज़्ज़ा अनजिश के लिए हम लोग ऑर्डर कर लिया था क्योंकि वो पिज्जा खुश होकर खाती है तो हम लोग ने स्मॉल पिज्जा जो है ना उसके लिए ऑर्डर कर लिया था और उसके बाद जनाब वापसी हो चुकी थी खाने पीने के बाद थकावट बहुत ज्यादा हो रही थी और हम लोग आ चुके हैं वापसी के लिए और वापस जो है हम लोग जा रहे हैं रात का टाइम हो गया है और आपसे जनाब मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग जो है ना आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो नीचे मुझे लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो जाते जाते जनाब इस चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़